हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एज के निटिंग। देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही इजी डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन जस्ट 8 रोज़ का डिजाइन है। वो 8 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। डिजाइन रंग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीपल में फंदे लेनी है और प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच करनी है। मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 3, 4 फंदों को डिजाइन है। यहाँ से यहाँ तक आपको 4 फंदों को डिजाइन है। 4 फंदा, 4 फंदा, 4 फंदा, 4 फंदा करते जाना है पूरी सिलाई में। देन लास्ट में आपको प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच ऐड करनी है लास्ट में। इसमें मैंने 4 का मल्टीपल करके 16 प्लस 3 एक्स्ट्रा स्टिच कर लिया है। टोटल 19 फंदा डाला है। यहाँ फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो सारे फंदे हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट रो सभी फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट रो सभी फंदे हम सीधा सीधा बुननी है। सभी फंदे हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सेकेंड रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए, एडजस्ट धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये दो फंदा बुनने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टक करेंगे। रिपीट पैटर्न, तीन फंदा हम बिना बुने इस तरह से उतारेंगे, 1 2 3। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से, धागा आगे रखनी है। इस तरह से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इन्हीं फंदों का हम बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, दो फंदों को छोड़कर 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है। तीन फंदा स्लिप कर लेना है, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए, ये चार फंदों को डिजाइन है। इन्हीं चार फंदा हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से इन्हीं चार फंदा रिपीट करेंगे। देखिए, तीन फंदा स्लिप कर लेंगे, बिना बुने इस तरह से उतारेंगे। अब एक फंदा उल्टा, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, तीन डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए लास्ट में, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 1 2 3 4 डिजाइन ख़त्म हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, धागा पीछे करेंगे, एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। फोर रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। फोर रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेना है। फोर रो फोर रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेना है। फिफ्थ रो भी सेम रो थर्ड की तरह बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप करिए, एडजस्ट धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये दो फंदा बुनने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। रिपीट पैटर्न, तीन फंदा हम स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतारेंगे, 1 2 3। अब एक फंदा हम उल्टा बुननी है। देखिए, आपको इन्हीं चार फंदा हम बार बार रिपीट करेंगे। ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है। तीन फंदा स्लिप कर लेना है, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए, इन्हीं चार फंदा हम रिपीट करनी है बार बार। फिर से इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे, चार फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदा स्लिप कर लेना है। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदा स्लिप कर लेंगे, अब एक फंदा उल्टा, तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे एक बार, तीन फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 3, एक फंदा उल्टा। चार डिजाइन ख़त्म हुआ है आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको एडजस्टेज बचेगा, सीधा बुन लेंगे। सिक्स रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। सिक्स रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेना है। सिक्स रो पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सेवेंथ रो सेम रो थर्ड रो फिफ्थ की तरह बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप करिए, एडजस्ट धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये दो फंदा बुनने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे।
रिपीट पैटर्न, तीन फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक दो तीन, धागा आगे रखनी है इस तरह से। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब इन्हीं चार फंदा हम बार बार रिपीट करते जाना है। दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करनी है। तीन फंदा स्लिप, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से इन्हीं चार फंदा रिपीट करेंगे। तीन फंदा स्लिप, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदा स्लिप, एक दो तीन, एक फंदा उल्टा, तीन डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करेंगे, तीन फंदा स्लिप, एक दो ए तीन, फिर एक फंदा उल्टा, चार डिजाइन खत्म हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, इस सीधा बुन लेंगे। एट रो पूरी सलाह हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। एट रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एट रो एट रो सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड, डिजाइन एट रो का डिजाइन है। इन एट रोज आगे आगे बार बार रिपीट करते जाना है। अब आपको यहाँ से रो वन स्टार्ट करनी है। रो वन आपको पूरी सलाह सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। वन टू एट रोज आपको बार बार रिपीट करनी है। एट रोज बार बार रिपीट करने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।